इलाहाबाद जिले के पुलिस के मुखिया के दफ्तर के सामने अपने पूरे परिवार के साथ आमरण अनशन पर बैठी ये लाचार माँ है, जिसका भरोसा अब सूबे की पुलिस व्यवस्था से उठ चुका है। पीड़ित महिला का आरोप है कि कुछ दबंगों ने उसकी बेटी को अगवा किया है और पुलिस ने दबंगों को गिरफ्तार कर छोड़ दिया। हमारी बहन का 1 जुलाई को अपहरण यही जिला न्यायालय के समक्ष अपहरण कर लिया गया। हमने अपराधियों का लिखित रूप से नाम भी दिया जिन लोगों ने अपहरण किया है, लेकिन पुलिस इसमें कोई भी लापरवाही बिल्कुल बरत रही है, कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है, और बल्कि कई दफ्तरों में हम जा चुके हैं, उच्च अधिकारियों से मिले, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब उधर 21 मई से 23 जून तक बच्ची लापता थी, तब भी इन्होंने FIR नहीं की थी। जब बच्ची किसी तरह भागी थी चंगुल से, उसके बाद उन्होंने दबाव बनाया, तब FIR हुई थी। दोबारा जब 1 जुलाई को उसका अपहरण होता है, सारे लोग थाने उन्हें दौड़ते रहते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती है। पीड़ित लड़की के परिजन 1.5 महीने से पुलिस अफसरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनका कोई सुनने वाला नहीं था। थक हार कर लड़की का पूरा परिवार SSP इलाहाबाद के दफ्तर के सामने आमरण अनशन पर बैठ गया है। पीड़ित परिजनों का कहना है कि जब तक पुलिस उनकी लड़की को बरामद नहीं करती, वह अनशन से नहीं उठेंगे। वही पुलिस जल्द ही लड़की को बरामद करने और आरोपियों की गिरफ्तारी करने की बात कह रही है। इस मामले में पूर्व में विवेचना की जा रही थी। लड़की का 164 का बयान कराने के लिए कोर्ट में ले आए थे, वहाँ के बाद लड़की फिर गायब हो गई। इस संबंध में थाना कर्नलगंज में पुनः FIR लिखाई गई है। अपहरणकर्ताओं के संबंध में सुराग मिले हैं और लड़की शीघ्र मिलेगी। एक तरफ अखिलेश सरकार सूबे में महिलाओं के महफूज होने के दावे करती है, उसी प्रदेश में दिन दहाड़े लड़की को अगवा कर लिया जाता है और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है, और पुलिस की नींद को खोलने के लिए एक माँ को आमरण अनशन करना पड़ रहा है। आखिर सूबे की कानून व्यवस्था कब तक सुधरेगी और इस माँ को इंसाफ कब मिलेगा और उसकी लाडली कब घर वापस लौटेगी? ऐसे सवाल तो कई हैं, लेकिन शायद जवाब किसी के पास नहीं।